Hi guys, I hope you all are doing well. In today's video I will discuss introduction questions. The topic is books the topic of books. So guys without wasting any time, let's start today's video. The first question of this video is do you often read books when? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अक्सर किताबें पढ़ते हो ऑफन का मतलब होता है अक्सर अगर आप अक्सर किताबें पढ़ते हो तो कब पढ़ते हो वैन सो so ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज टू बी ऑनेस्ट सच बताऊँ आई डो नाट रीड बुक्स ऑफन कि मैं नहीं पढ़ती बुक्स को किताबों को ऑफन अक्सर आई रीड बुक्स sometimes. मैं पढ़ती हूँ बुक्स को कभी कभी आई प्रेफर रीडिंग बुक्स मैं तरजीह देती हूँ पढ़ने को किताबें Sometimes कभी कभी इन द मॉर्निंग सुबह के समय में एंड और sometimes कभी कभी इन द इवनिंग शाम के समय सो so, यहाँ पे when लिखा हुआ था तो क्वेश्चन में इसलिए हमने मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम यहाँ पे मेंशन किया है द सेकंड क्वेश्चन इज आर यूर रीडिंग हैबिट्स डिफरेंट दैन इन द पास्ट तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपकी पढ़ने की जो आदत है वह पहले से अलग है द आंसर ऑफ दिस कोस हाँ इन द पास्ट अतीत में आई यूज टू रीड ऑफन अलॉट ऑफ बुक्स मैं पढ़ती थी काफ़ी सारी किताबें अक्सर इन वन गो विदाउट स्टॉपिंग की पढ़ती रहती थी उन बुक्स को बिना रुके बट पर नावा डिस आज कल आई डों नट रीड बुक्स वेरी ऑफन मैं किताबें नहीं पढ़ती ज़्यादा अक्सर एंड और आई एम बियरली एबल टू फिनिश अ बुक इन अ मंथ और मैं मुश्किल से फिनिश ख़त्म कर पाती हूँ एक बुक को महीने में बियरली मतलब मुश्किल से द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज है बुक दैट है आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी ऐसी किताब पढ़ी है जिसका की फिल्म में रूपांतरित किया गया हो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगर आपको यस बोलना है तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो स yes, हाँ आई हैव रेड वन बुक कि मैंने एक किताब पढ़ी है डैट हैज़ बिन अडेप्टड इन टू फिल्म जिसको कि फिल्म में रूपांतरित किया गया है द नेम ऑफ दिस ऑफ दिस बुक इज हैरी पॉटर जो ये बुक है इसका नेम हैरी पॉटर अगर आपको नो बोलना है कि ऐसा आपने कोई किताब नहीं पढ़ी अभी तक तो आप इस तरीके से बता सकते हो नो no, नहीं आई हैव नॉट रेड अ बुक कि मैंने ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी दैट हैज बीन अडेप्टेड इन टू फिल्म जिसका कि रूपांतरण किया गया हो फिल्म में द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज वट डू यू प्रेफर रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस चीज़ को तरजीह देते हो किताबें पढ़ने को या फिर जो मूवीज़ है फिल्म्स हैं उनको देखने को द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई प्रेफर रीडिंग बुक्स मैं तरजीह देती हूँ पढ़ने को किताबें एज compared टू watching मूवीज अगर इसकी तुलना की जाए फिल्म्स देखने को बिकॉज क्योंकि रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ना इंक्रीज इनक्रीज़ वकीबलरी बढ़ाता है जो वकीबलरी है उसको इंक्रीज मतलब बढ़ाना डेवलप इमेजिनेशन विकसित करता है डेवलप मतलब विकसित करना इमेजिनेशन को एंड और रिड्यूस स्ट्रेस और जो स्ट्रेस होता है ना चिंताएं होती हैं उसको कम करता है रिड्यूस मतलब घटाना कम करना रीडिंग इम्प्रूवस जो रीडिंग है वो सुधारती है कॉन्सनट्रेशन एंड और द एबिलिटी टू फोकस और जो हमारी क्षमता होती है एबिलिटी होती है फोकस करने की उसको दैट सॉल्व फॉर डेज वीडियो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू एल्स सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय एंड टेक केयर